अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, परंपरा के मूल्यांकन से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव को जानना चाहते हैं, आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी चैप्टर 7 परंपरा का मूल्यांकन से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, रामविलास शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, अशोक वाजपेयी, यतीन्द्र मिश्र। ऑप्शन ए रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 2, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? विच्छिन्न, अविच्छिन्न, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी ए और बी दोनों। हिंदी साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? चार ऑप्शन, सामंतवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन सी समाजवादी व्यवस्था। रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? प्रेमचंद्र और उनका युग, नई कविता और अस्तित्ववाद। ऑप्शन सी निराला की साहित्य साधना, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन सी निराला की साहित्य साधना। परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है? चार ऑप्शन, कहानी, निबंध, संस्मरण, लघु कथा। ऑप्शन बी निबंध। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? धर्म युद्ध, कर्म युद्ध, वर्ग युद्ध, द्वंद्व युद्ध। ऑप्शन सी वर्ग युद्ध। साहित्य सापेक्ष रूप में होता है, पराधीन, जड़, परतंत्र, स्वाधीन। ऑप्शन डी स्वाधीन। एथेंस किस महादेश में है? ऑप्शन ए यूरोप। तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित हैं? ऑप्शन डी 7। साहित्य सापेक्ष रूप में होता है, ऑप्शन बी स्वाधीन। वायरन किस भाषा के कवि था? ऑप्शन सी अंग्रेजी। ओ विच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ है? ऑप्शन बी अटूट। रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किया था? संस्कृत, हिंदी, इतिहास, अंग्रेजी। ऑप्शन डी अंग्रेजी। रामविलास शर्मा ने बीए कब किया? 1932, 1934, 1933, 1931। ऑप्शन ए 1932 ईस्वी में। परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार हैं? ऑप्शन सी रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17, रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किया? ऑप्शन बी लखनऊ विश्वविद्यालय से। क्वेश्चन नंबर 18, रामविलास शर्मा किस संस्थान के निदेशक बने? ऑप्शन ए के एम हिंदी संस्थान।
क्वेश्चन नंबर 29, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं। ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? ऑप्शन ए समाज की तरह। निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित हैं? ऑप्शन बी 3 खंडों में। साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? ऑप्शन ए प्रतिभाशाली मनुष्यों की। आदिम का अर्थ है? ऑप्शन बी अति प्राचीन। हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है? ऑप्शन ए समाजवाद। समाजवादी व्यवस्था किस संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती? ऑप्शन सी प्राचीन संस्कृति। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है? ऑप्शन बी साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है? ऑप्शन डी डॉक्टर रामविलास शर्मा की। लेटिन कवि कौन है? ऑप्शन ए वर्जिल। क्वेश्चन नंबर 29, अज्ञेय ने तार सप्तक कब संपादित किया? ऑप्शन बी 1943 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 30, शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? गरीबों को, बेरोजगारों को, भारत सरकार को, राज्य सरकार को? ऑप्शन सी भारत सरकार को। आदिम का शाब्दिक अर्थ है? ऑप्शन ए अति प्राचीन। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? ऑप्शन डी डॉक्टर रामविलास शर्मा की। रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 33, रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहां हुई? ऑप्शन बी दिल्ली में। किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ? ऑप्शन सी 1917 की क्रांति। कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया? भारत, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, एथेंस। ऑप्शन डी एथेंस। किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे अधिक आवश्यक है? ऑप्शन सी साहित्य जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम किस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन सी जो शर्म। ऑप्शन बी ए। इनका सही ऑप्शन क्या होगा? ए, जो श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है। तो इस प्रकार से आपने परंपरा का मूल्यांकन से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव का आंसर जाना। आप रेस्ट बच्चे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव का भी आंसर जानना चाहते हैं तो इस चैनल के लाल बटन को सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़ जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।